चलो, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग रेगुलेशन डिस्कस कर रहे थे, क्लियर है। अब उससे आगे के टॉपिक कंप्लीट करते हैं, रेगुलेशन कंप्लीट करते हैं। देखो, रेगुलेशन में एक लास्ट पॉइंट है, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। तो पहली बात, रिफ्लेक्स का मतलब क्या है? हेरिंग ब्रूअर तो चलो साइंटिस्ट का नाम है, रिफ्लेक्स का मतलब क्या है? रिफ्लेक्स होता है इस तरह की रेगुलेशन, इस तरह की कंट्रोलिंग मैकेनिज्म जिसमें एनालाइजेशन की जरूरत ना पड़े। मतलब सिग्नल जाए, सेंस हो और वापस से जस्ट सेव्ड इंफॉर्मेशन से डायरेक्ट रिवर्ट आ जाए। क्लियर है? सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेकर के गया, धक वापस आ गया, समझ लो आंसर मिल गया। क्वेश्चन किया, आंसर तैयार था, सेव था मेमोरी में। ये रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, अच्छी तरह पढ़ेंगे जब अपन न्यूरल सिस्टम डिस्कस करेंगे, क्लियर है। चलो, तो हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स में क्या होता है? ये भी रेगुलेशन का ही एक मेथड है। इसमें क्या किया जाता है, हमारे जो लंग्स की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है उसमें है स्ट्रेच रिसेप्टर्स, क्लियर है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स। स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑफ एल्यूलाई, एल्यूलाई है ना स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट। इसके अंदर जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, भाई हम लोग सांस ले रहे हैं तो एल्यूलाई में एयर फिल हो रही है, एयर फिल होगी तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक लिमिट तक ही फिल होने देंगे, समझ रहे हो। एयर फिल हुई, हम लोगों ने इनहेल किया यानी इंस्पायरेशन हुई, इनहेलेशन हुई, इनहेलेशन और इंस्पायरेशन बोल दो, क्लियर है, ये हुई। तो अगर एक्सेसिव करने की कोशिश करेंगे, औकात से बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो ये बोलते हैं ना, कौन जानो, मतलब स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं एलवियोलाई के, ये सिग्नल देते, बोले माने कौन तू, रुक दिमाग को बताता हूँ, ये सिग्नल भेजते हैं, इनसे सिग्नल लेकर के जाता है सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन बोल दो या नर्व बोल दो, ये सिग्नल लेकर के गई कहाँ, सीएनएस में, और सीएनएस से फिर रिवर्ट आता है। सीएनएस बोलता, अच्छा औकात से बाहर जा रहा है, रुक, ये भेजता है वापिस सिग्नल, सिग्नल लेकर के आता है मोटर नर्व, मोटर नर्व, और मोटर नर्व सिग्नल लेकर के आती है किसके पास, यही एल्वियोलाई के पास, और ये क्या कर देती है, ये इनहिबिट कर देती है, ये इंस्पायरेशन को रोक देती है, क्लियर है, इनहिबिट इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन को रोक देती है, समझ रहे हो कि भाई ना औकात से बाहर तो जाना ही नहीं है, समझ रहे हो। तो ये है हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन कर रहा है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स, एलुलाई के स्ट्रेच रिसेप्टर्स। चलो, अब ये किस तरह का मैकेनिज्म है, ये एक प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, क्लियर है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो क्या करता है, एल्वोलाई की फटने से रोकता है। क्या फटने से, दीवारें, समझ रहे हो, एल्वोलाई की दीवारों को फटने से रोकता है, प्रिवेंट कोलैप्सिंग या फिर ब्रस्टिंग लिखो, एक्चुअली ब्रस्टिंग ऑफ एल्वियोलाई। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, भाई लोगों के मन में आते हैं अलग अलग ख्याल, लोगों, कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग सांस रोक के सुसाइड करेंगे, ठीक है। अब अगर स्ट्रेस रिसेप्टर नहीं होते तो लोग क्या करते, चलो सांस लेकर के सुसाइड करते हैं, सांस भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है, एक टाइम आएगा जब एलोलाई की फट जाएगी दीवारें, ठीक है। अब एलोलाई की दीवारें फट गई तो इससे क्या हुआ, एलोलाई एक्सचेंज नहीं कर पाएगी, ऑक्सीजन जाएगी नहीं, हम लोग सफोकेशन से सल्ट जाएंगे, ठीक है, ये है। बट ऐसा नहीं होता क्योंकि ये हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऐसा नहीं होने देते, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, समझ आया, रेगुलेशन का एक मैकेनिज्म। चलो, ये कंप्लीट होता है। तो यहां हम लोग कह सकते हैं कि रेगुलेशन कंप्लीट होती है, क्लियर है, रेगुलेशन कंप्लीट होती है। चलो, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम एक रेगुलेटेड मैनर में बिहेव करता है, तो हम लोग कितनी बार सांस लेंगे ये भी फिक्स होगा ना, समझ रहे हो, यानी हमारी ब्रीदिंग रेट भी फिक्स होगी। ये ब्रीदिंग रेट कितनी होती है,
ये डिस्कस कर लेते हैं, क्लियर है। तो देखो हम बात कर रहे हैं ब्रीदिंग रेट की, क्लियर है, ब्रीदिंग रेट। अब किस रेट से ब्रीद करें, अब ये रेट रुपए वाला नहीं है, ये रेट दर है, मतलब कितने बार हो रहा है ये कांड, समझ रहे हो। तो ब्रीदिंग कितनी बार हो रही है ये पूछा जा रहा है, ब्रीदिंग रेट क्या है। तो भाई ये है कि हम लोग सांस कितनी बार लेते हैं, इनहेल और एक्सहेल कितनी बार करते हैं, यानी 2 सेकंड का इंस्पायरेशन 3 सेकंड का एक्सपायरेशन कितनी बार होता है, ये 5 सेकंड की प्रोसेस कितनी बार होती है, समझ रहे हो, क्लियर है। तो ये 5 सेकंड की प्रोसेस कितनी बार होती है यही हमें पता करना है। पहले पता करते हैं ये किस चीज पे डिपेंड करती है, तभी तो पता चलेगा कितनी हो सकती है। तो ये डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, तो हम लोग एक समरी बना लेते हैं। ब्रीदिंग रेट डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी हार्ट बीट के। ब्रीदिंग रेट बढ़ेगी हार्ट बीट बढ़ेगी, हार्ट बीट बढ़ेगी ब्रीदिंग रेट बढ़ेगी, समझ रहे हो, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्लियर है। तू मेरा मैं तेरी, मैं तेरा तू मेरी वाली बात है, समझ गए। चलो हार्ट बीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ब्रीदिंग रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉडी टेम्परेचर के, क्लियर है। तो भाई पहली बात हार्ट बीट, अब समझ लो तुम लोग जब कुत्ते की तरह आंपने लगते हो तब दिल पे हाथ रख के देखना, वो भी तो जोर जोर से धड़क रहा होता है, मतलब ब्रीदिंग रेट बढ़ी तो हार्ट बीट बढ़ेगी, मतलब हार्ट बीट बढ़ी तो ब्रीदिंग रेट बढ़ेगी, समझ रहे हो। ब्लड ज्यादा जल्दी जल्दी पंप करेगा हार्ट, समझ रहे हो, हार्ट ब्लड को ज्यादा जल्दी जल्दी पंप करेगा, तो भाई उसको उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन चाहिएगी, क्योंकि वो जल्दी जल्दी पास होगा, पास होगा तो ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन चाहिएगी, उसे ज्यादा राउंड लगाएगा, ज्यादा राउंड लगाएगा ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो सांस ज्यादा लेना पड़ेगा, तो ब्रीदिंग रेट अपने आप बढ़ जाएगी। टेम्परेचर, अबे जब मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क एक्सरसाइज कर रहे हो किसी तरह की भी, तो क्या होता है, शरीर गर्म हो जाता है ना, बॉडी में हीट जनरेट होती है, वो हीट जनरेट होती है उस वक्त क्या होता है, ब्रीदिंग रेट अपने आप बढ़ी हुई होती है। इसका फैक्टर हम लोगों ने, टेम्परेचर भी एक फैक्टर हम लोगों ने देखा था, ऑक्सीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व पे टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑक्सीमोग्लोबिन टूट जाता है, अबे ज्यादा टूटेगा मतलब ज्यादा बनाना पड़ेगा, ज्यादा बनाने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो ज्यादा सांस लेना पड़ेगा, तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी। चलो नेक्स्ट, और किस चीज पे डिपेंड है, तो ये और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच प्लस की कंसंट्रेशन के, जितने ज्यादा एच प्लस होंगे उतना ऑक्सीमोग्लोबिन टूटेगा, उतना ऑक्सीमोग्लोबिन टूटेगा तो क्या होगा, उतने ही ज्यादा ऑक्सीमोग्लोबिन बनाने पड़ेंगे जल्दी जल्दी, ज्यादा बनाने पड़ेंगे तो मतलब ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो मतलब ज्यादा सांस लेना पड़ेगा, ये बढ़ेगा ब्रीदिंग रेट बढ़ेगी। अब एच प्लस एक ऐसा फैक्टर है जिस पे डिपेंड करती है पीएच, तो पीएच के साथ इसका रिलेशन उल्टा होगा, पीएच बढ़ेगी ये घटेगा, ये घटेगा पीएच बढ़ेगी, समझ रहे हो, ये हुआ। नेक्स्ट, और किस फैक्टर पे डिपेंड करता, तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉडी साइज के, क्लियर है, जितना बड़ा साइज बॉडी का उतनी कम ब्रीदिंग रेट, और जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा ब्रीदिंग रेट, समझ रहे हो। चलो सॉरी, अब बात करते हैं ब्रीदिंग रेट कितनी हो सकती है। तो सबसे पहले तो भाई अपन, अब जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं खुद की बात करना पसंद करूंगा, तो हम बात कर रहे हैं तो अपनी बात करेंगे यानी ह्यूमंस की, तो सबसे पहले अपने खुद को निपटाते हैं, निपटाते हैं मतलब अपनी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपना फर्स्ट स्टेज, यानी हम अभी फीटल स्टेज में है, फीटस है हम लोग, अभी हम लोग यूट्रस में है, डेवलप हो रहे हैं, हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात कर रहे हैं। फिर हम लोग डेवलप हो गए और हम इन्फेंट स्टेज में आ गए, क्लियर, समझ गए, और फिर थोड़े से और डेवलप हुए और हम लोग एडल्ट बन गए, क्लियर। चलो, और फिर डेवलप होते होते इतने हुए कि बुढ़ापा आ गया और हम लोग बूढ़े हो गए, मतलब बूढ़ियों में रेस्पिरेटरी रेट, सॉरी ब्रीदिंग रेट, क्लियर है। तो देखो अलग अलग चीजें हैं, पहले फिटस की बात करते हैं कितनी होती है। तो फिटस वही एम्ब्रियोनिक स्टेज को बताया है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में भ्रूणावस्था में रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग एक तरह से हम लोग बताते हैं कि होती ही नहीं है, मतलब होती ही नहीं है, कैसे नहीं होती है, तो
एक चीज का ध्यान दो कि हम लोग जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, फीटस होते हैं, माँ के पेट में होते हैं, तब हमारे लंग्स नॉन फंक्शनल होते हैं, काम नहीं कर रहे होते। बाहर आने के बाद धरती पे जब पहला सांस लेते हैं तब हम लोग रोते हैं, तब लंग्स काम करना शुरू करते हैं, इसीलिए डॉक्टर उल्टा करके पिछवाड़े पे मारती है। मूवियों में देखा होगा, मेरे को तो उठा के सिंक में फेंक दिया था। घर वाले बताते हैं, मैं तो कैसे बताऊं, उन्होंने सोचा कि सल्टा हुआ है, उनको क्या पता था कि कतई सल्टा हुआ है। चलो छोड़ो ये पर्सनल बात, इसको डिलीट करवाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, फीटस। फीटस में लंग्स फंक्शनल नहीं होते और लंग्स के बिना ब्रीदिंग नहीं होगी, तो मतलब फीटस में ब्रीदिंग रेट जीरो होती है, समझ रहे हो? यानी लंग्स जो हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं, नॉन फंक्शनल है, क्लियर है इस स्टेज में। अब एक सोचने वाली बात है, लंग्स हमारी बॉडी में नॉन फंक्शनल हो गए और लंग्स ही ब्लड प्योरीफाई करने वाले ऑर्गन थे, मतलब ऑक्सीजन निकालते थे, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन डालते थे, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते थे, यही नॉन फंक्शनल है। तो फीटस में जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, बह रहा है, वो ब्लड फिल्टर कैसे हो रहा होगा, प्योरीफाई कैसे हो रहा होगा? तो इस केस में ब्लड प्योरीफाइंग ऑर्गन होता है, ब्लड प्योरीफाइंग ऑर्गन, ब्लड प्योरीफाइंग ऑर्गन है अपना, क्या होता है ब्लड प्योरीफाइंग ऑर्गन, ब्लड प्योरीफाइंग ऑर्गन ये आ जाएगा क्या स्क्रीन में, नहीं आएगा तो यहां निपटाते। ब्लड प्योरीफाइंग ऑर्गन है प्लासेंटा, प्लासेंटा, क्लियर है, समझ रहे हो? ये ब्लड को प्योर करती है, अपरा जैसे बोलते हो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यानी फीटल स्टेज में, क्लियर है, समझ रहे हो? चलो अब अपन बात करें इन्फेंट की, तो इन्फेंट में ब्रीदिंग रेट कितनी होगी? तो इन्फेंट की अगर बात करें तो इन्फेंट में ब्रीदिंग रेट तकरीबन तकरीबन होती है, ये मानो तुम लोग 66 पर मिनट के करीब, समझ रहे हो? क्लियर है, ये है, समझ रहे हो? सॉरी ये थोड़ा करेक्ट करो इसको, ये 44 के करीब है, 44 पर मिनट। चलो अब अडल्ट की बात कर लेते हैं, तो अडल्ट में ये ब्रीदिंग रेट घट करके, बॉडी साइज बढ़ रहा है ना तो ब्रीदिंग रेट घटेगी, ब्रीदिंग रेट घटेगी तो ये हो जाएगी तकरीबन 12 से 15 पर मिनट। कैसे निकली भाई, सोचने वाली बात है, कैसे निकलती है ये अपनी अडल्ट की, कैसे निकलती है एक्चुअल? तो हम लोग कहते हैं कि एक बार सांस लेने और छोड़ने में कितना टाइम लगता है, 0.5 सेकेंड, सॉरी 5 सेकेंड, नॉट 0.5, 5 सेकेंड लगती है, 5 सेकेंड्स, यानी 2 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड, 5 सेकेंड लगती है। और एक मिनट की बात करें, एक मिनट में 60 सेकेंड होती है, तो डिवाइड कर दो इनको, क्या आएगा 12, क्लियर है? तो ये एवरेज मानते हैं हम लोग, 12 × 60, तो ये एवरेज मानते हैं कि ब्रीदिंग रेट इतनी होती है, क्लियर है, समझ गए? ये है। अब बॉडियों में बॉडी साइज अडल्ट के बजाय सेम ही रहता है, ज्यादा चेंज नहीं होता, तो ब्रीदिंग रेट हम लोग एक ट्रेंड माने घटता आ रहा है तो घट जानी चाहिए, बट इनके अंदर ब्रीदिंग रेट घटती नहीं है, उल्टा हो जाता है सिस्टम, इनके अंदर ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, ठीक है। अब यहां ब्रीदिंग रेट क्यों बढ़ी है, समझ रहे हो, यहां ब्रीदिंग रेट क्यों बढ़ी है, तो इसका थोड़ा सा रिलेशन हार्ट बीट के साथ है, क्लियर, इसका छोटा सा रिलेशन हार्ट बीट के साथ है। यहाँ ब्रीदिंग रेट बढ़ने का मतलब है कि भाई सॉरी चलो रख दो, यहाँ ब्रीदिंग रेट के चेंज होने का मतलब क्या है, मतलब ब्रीदिंग रेट घटने का, नॉट बढ़ने का, डिक्रीज, ब्रीदिंग रेट डिक्रीज होने का रीजन क्या है? पहली बात तो बॉडी वीक हो रही है इस टाइम, क्लियर है, लंग्स की इलास्टिसिटी खत्म हो रही है, यहाँ बॉडी साइज नहीं बढ़ रहा, बॉडियों का बॉडी साइज थोड़ी बढ़ता है, समझ रहे हो, अडल्ट है हम लोग, अडल्ट हो गए, इतना ही बॉडी साइज रहता है, बढ़ता थोड़ी ना है, तो फिर घट क्यों रही है? तो यहाँ ब्रीदिंग रेट घटने का रीजन है कि लंग्स की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, क्लियर है, फेफड़े जो फूलते हैं सिकुड़ते हैं, ये इलास्टिसिटी, ये इलास्टिक प्रॉपर्टी कम हो जाती है, क्लियर है, इस वजह से ब्रीदिंग रेट कम हो जाती है, इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स कम हो जाती है, क्लियर।
ये है, इस वजह से बॉडियों की ब्रीथिंग रेट कम हो जाती है। चलो अब और बात करें अपन, तो देखो बात की जाए सबसे ज्यादा सबसे कम ब्रीदिंग रेट किसकी होगी, सबसे कम सांस कौन लेता है अगर पर मिनट की बात करें, सबसे कम ब्रीदिंग रेट, तो सबसे कम ब्रीदिंग रेट उनकी होगी जिनका सबसे बड़ा बॉडी साइज होगा। सबसे बड़ा बॉडी साइज यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म है व्हेल, क्लियर, एंड एलिफेंट जो होते हैं, व्हेल एंड एलिफेंट, इनकी ब्रीदिंग रेट हमसे भी कम होती है क्योंकि इनका बॉडी साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इनकी ब्रीदिंग रेट बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तकरीबन कितनी होती है, तकरीबन ये होती है 6 से 7 पर मिनट, क्लियर है, ये 10 तक पहुंच जाती है कई बार, इतनी ही होती है, समझ रहे हो, इतनी बार ही सांस लेते हैं एक मिनट में। तो ये है व्हेल और एलिफेंट, क्लियर, ये ब्रीदिंग रेट थी। जस्ट नॉर्मल तुम लोग रिलेट करके रखो इसे किस चीज के साथ, इन सारे फैक्टर्स के साथ। अगर ये फैक्टर बढ़े ब्रीदिंग रेट बढ़ेगी, ये फैक्टर घटे ब्रीदिंग रेट घटेगी। जल्दी कंप्लीट करो, जल्दी चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ ब्रीदिंग रेट कंप्लीट होती है और हम नेक्स्ट फैक्टर की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो क्या है, तो ध्यान से देखो अब हम बात करेंगे कुछ बचे खुचे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, ठीक है, जो कि रिलेट है हमारी ब्रीदिंग से। अब ब्रीदिंग क्यों की जा रही है, तो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ गैसेज, या ब्रीदिंग क्यों होती है ड्यू टू फंक्शनिंग ऑफ लंग्स, क्लियर है। अब ये लंग्स फंक्शन कर रहे हैं हमारे, क्लियर है, तो हमें ये तो नहीं पता कि भाई फंक्शनिंग कितनी हो रही है और किस हिसाब से हो रही है, तो ये पता करते हैं। पहला पॉइंट है समझने वाला कि लंग्स की वॉल्यूम्स कितनी है, लंग कितनी एयर ले सकता है, कितनी एयर स्टोर कर सकता है, कितनी एयर हम लोग ऑल ओवर लंग से पास कर सकते हैं, समझ रहे हो, सांस ले सकते हैं छोड़ सकते हैं, ये वॉल्यूम और लंग्स की कैपेसिटी, औकात मापते हैं फेफड़ों की, पहला पॉइंट। दूसरा हम लोग यहाँ एक छोटा सा पॉइंट और निपटाते हैं, जो कि क्या है, हम लोगों में ये रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग हुई, इसमें मेन फैक्टर है हमारा हीमोग्लोबिन, क्लियर है, हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट, अगर वो ही ना हो तो गैसेस का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, नहीं होगा मतलब इस मैकेनिज्म का कोई फायदा ही नहीं, ये मैकेनिज्म हमारे लिए नॉट यूजफुल है, ठीक है, वेस्ट है, क्लियर है। तो सबसे मेन फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे ये डिपेंड करता है सारा सिस्टम, वो है हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट, क्लियर। चलो तो पहले रेस्पिरेटरी पिगमेंट को निपटाते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जनरली हम बताते हैं कि हमारे अंदर हीमोग्लोबिन है, बट हम यहाँ दो रेस्पिरेटरी पिगमेंट डिस्कस करेंगे, क्लियर है, जो कि कॉमनली हमें सुनने को मिल जाते हैं। टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट अपन डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से हैं, तो देखो एक जिसका अभी अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे, हीमोग्लोबिन, क्लियर है। अब ये ऑक्सीजन के साथ कैसे जुड़ता है, ऑक्सीजन इसके साथ कैसे जुड़ती है, ये बात अपन कल कर चुके हैं, ठीक है। सेकेंड है इसी का भाई हेमोसियानिन, क्लियर है, तो हेमोग्लोबिन और हेमोसियानिन की बात कर रहे हैं अपन। हेमोग्लोबिन कैसा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, तो हेमोग्लोबिन रेड कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, क्लियर है, रेड कलर्ड होता है, क्लियर। जबकि हेमोसियानिन कैसा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ये ब्लूइश होता है, ब्लू कलर्ड है, ब्लू कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें
हीमोग्लोबिन हीमोसियानिन की बजाय ज्यादा एफिनिटिव होता है, मोर एफिनिटिव या मोर एफिनिटी रखता है, क्लियर है, ऑक्सीजन को जोड़ने की ज्यादा क्षमता रखता है, ताकत रखता है, किसके बजाय हीमोसियानिन के बजाय, तो ये लेस एफिनिटी रखता है, क्लियर है। अगर बात करें किसके अंदर प्रेजेंट है ये, मतलब कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में होता है और हीमोसियानिन कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में मिलता है, तो देखो हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन सारे वर्टिब्रेट्स में मिलेगा, वर्टिब्रेट्स यानी फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, एव्स, मैमल्स, क्लियर है, वर्टिब्रेट क्लास, समझ रहे हो, तो वर्टिब्रेट्स में मिलेगा। नेक्स्ट ये मिलता है एनिलिड्स में, क्लियर है, एनिलिडा में मिलता है, जबकि हीमोसियानिन कहाँ मिलेगा, हीमोसियानिन हमें मिलता है मोलुस्का में और एक फाइलम जिसके अंदर ब्लड आ गया था बट पिगमेंटलेस ब्लड आया था, कौन सा, आर्थ्रोपोडा का इंसेक्टा वाला पॉइंट है ये, ठीक है, तो उसी फाइलम की एक और क्लास है क्रस्टेशिया, तो इसलिए हम लोगों ने पूरे आर्थ्रोपोडा को नहीं लिखा, वहां सिर्फ इंसेक्टा क्लास लिखी, अब क्रस्टेशिया क्लास, क्लियर है, क्रस्टेशिया क्लास ऑफ आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा की क्रस्टेशिया क्लास, समझ रहे हो, तो ये हीमोसियानिन पिगमेंट रखते हैं। क्रस्टेशियंस कौन से होते हैं, क्रस्टेशिया क्लास में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, क्रस्टेशियंस होते हैं प्रोन, झिंगे, क्लियर है, ये है। अब ये दो तरह के रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। अब क्या होता है कि कुछ एनिमल्स में ये हीमोग्लोबिन, हमारे अंदर तो ये आरबीसी में है बट कुछ एनिमल्स में प्लाज्मा में डिजोल्व रहता है, तो डिजोल्व इन प्लाज्मा हीमोग्लोबिन, अगर प्लाज्मा में डिजोल्व हो उसे क्या कहेंगे, हीमोग्लोबिन डिजोल्व इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में डिजोल्व हीमोग्लोबिन के लिए क्या टर्म यूज होती है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं एरिथ्रोक्लोरिन, एरिथ्रोक्लोरिन, क्लियर है, या फिर हम लोग कहें तो इसे कहते हैं इंटरसेलुलर हीमोग्लोबिन, क्लियर है, एरिथ्रोक्लोरिन या इंटरसेलुलर हीमोग्लोबिन, ये टर्म्स यूज होते हैं हीमोग्लोबिन के लिए अगर हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट हो, समझ रहे हो, तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की बात है, क्लियर है, क्लियर हुई, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो देखो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स भी हो गए, अब हमें डिस्कस करनी है लंग्स की वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ एक छोटा सा पॉइंट और निपटा लें, क्लियर, वो छोटा सा पॉइंट क्या है, तो देखो अब कुछ स्पेशल टर्म्स हैं जो कि हमारे इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के चैप्टर में यूज किए जाते हैं, जनरली रेस्पिरेशन के केस में उन टर्म्स का यूज किया जाता है, अब वो टर्म्स कौन सी हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक टर्म है यूपनोया, क्लियर, यूपनोया, इस टर्म का मतलब होता है कि ब्रीदिंग नॉर्मल चल रही है, नॉर्मल ब्रीदिंग, क्लियर, नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर इसी से रिलेटेड टर्म है हाइपर यूपनोया, क्लियर, हाइपर का मतलब क्या होता है, बढ़ जाना, तो यहां ब्रीदिंग रेट बढ़ गई, इसे हाइपर यूपनोया का, समझ लो। सेकंड है सॉरी थर्ड टर्म है हाइपो यूपनोया, हाइपो यूपनोया, हाइपोइपनोया का मतलब क्या है, हाइपो यानी लेस, घट जाना, तो यहां ब्रीदिंग रेट घट गई, क्लियर है, समझ रहे हो। और नेक्स्ट टर्म है एनपनोया, एनपनोया, क्लियर है, या फिर इसे हम लोग कहते हैं मो, अगर थोड़ा सा और करेक्ट करें इसे
तो ये बीच वाले टर्म्स मतलब दो वर्ड जोड़े जाते हैं तो दोनों कंडीशंस में लिख सकते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा चेंज करके भी अपन लिख सकते हैं, इसे कहा जाता है एपनोइया। एपनोइया क्लियर है। एपनोइया मतलब ए आ गया पहले, ए का मतलब एब्सेंस, यानी यहां ब्रीदिंग नहीं होगी, ब्रीदिंग एब्सेंट हो जाएगी। क्लियर, समझ रहे हो। नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म जो है वो है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया, हाइप ओ हाइपो ऑक्सिया। क्लियर है, दो टर्म्स मिलाए गए, हाइपो और ऑक्सिया, हाइपोक्सिया बन गया। यानी हाइपो का मतलब कम हो रहा है, ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन सप्लाई। क्लियर है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब इस डिक्रीज होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज कब होती है, हम लोग अभी अभी पढ़ के आए हैं लास्ट लेक्चर्स में, क्या कि अगर माउंटेन सिकनेस हो जाए, एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाए तो क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई घट जाएगी। ठीक है, इन माउंटेन सिकनेस, माउंटेन सिकनेस में घट जाएगी, या फिर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की प्रेजेंस ही कम हो जाए, PO2 ही कम हो जाए, तब दिक्कत आएगी। या फिर क्या हो कि भाई प्रेजेंस हो जाए, किसकी प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की, जो कि ऑक्सीजन से ज्यादा एफिनिटी रखती है 200 गुना, ये होगी तो जुड़ने नहीं देगी, जुड़ने नहीं देगी सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो हाइपोक्सिया हो जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट टर्म है एनोक्सिया। ए आ गया पहले, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई कतई रुक जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी ऑक्सीजन सप्लाई, समझ रहे हो, मतलब सल्ट जाएगा बंदा, कैसे ऐसा बन जाएगा। चलो एक और टर्म है इसी से रिलेटेड, वो क्या है तो देखो, एक है एस्फाइक्सिया। एस्फाइक्सिया, एस्फाइक्सिया का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं कि भाई PCO2 बढ़ गई। क्लियर है, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ गई, इससे क्या होगा, सफोकेशन, सफोकेशन होगी, दम घुटेगा एस्फाइक्सिया की कंडीशन में, समझ रहे हो। तो एपनोइया, हाइपर एपनोइया, हाइपोइपनोइया, एपनोइया, क्लियर है, और हाइपोक्सिया, अनोक्सिया एंड एस्फाइक्सिया, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। तुम लोगों को नहीं कहेगा ब्रीदिंग रेट घट रही है, तुम लोगों को कहेगा इन द कंडीशन ऑफ हाइपर इपनोइया, सॉरी हाइपो इपनोइया, ब्रीदिंग रेट घट रही है, हाइपो इपनोइया। तुम लोगों को नहीं कहेगा ऑक्सीजन सप्लाई कतई बंद कर दी मैंने, तुम लोगों को कहेगा अनोक्सिया की कंडीशन क्रिएट कर दी, समझ रहे हो। तुम लोगों को नहीं कहेगा ब्रीदिंग नॉर्मल चल रही है, तुम लोगों को कहेगा एपनोइया की कंडीशन है। क्लियर, ये है कुछ कंडीशन से कुछ टर्मिनोलॉजीज। चलो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और जुड़ा हुआ है जो कि हमारे पिगमेंट्स को कनेक्ट करता है। यानी अभी अभी हम लोग दो पिगमेंट पढ़ करके आए हैं और हम लोगों ने देखा कि उन पिगमेंट्स की प्रेजेंस कहाँ कहाँ है, ठीक है, बात की ना। तो अपने अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है, बट अगर हमारे हीमोग्लोबिन को निकाल के हेमोसयानिन डाल दे तो क्या होगा, अबे ब्लड का कलर चेंज होगा, वो बात दूसरी है, और क्या होगा। तो देखो इन ह्यूमंस, हमारे अंदर इफ हीमोग्लोबिन इज रिप्लेस्ड बाय हेमोसयानिन, देन तो क्या होगा, देन व्हाट हैपन्ड, देन हैपन्ड दैट एफिनिटी डिक्रीज एंड द सप्लाई ऑफ गैसेस डिक्रीज, यानी गैसेस ट्रांसपोर्ट डिक्रीज, समझ रहे हो, क्योंकि ये इतना एफिनिटी नहीं है, एफिनिटी कम है तो कम गैसेस लेकर के जाएगा, कम गैसेस लेकर के जाएगा यानी ट्रांसपोर्टेशन या एक्सचेंज घट जाएगा। क्लियर है, हम लोग कहें एक्सचेंज या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस
ये घट जाएगा, समझ रहे हो? क्यों घट जाएगा? क्योंकि एफिनिटी कम है, एफिनिटी ऑफ हेमोसियानिन ये कम है, कम है, इस वजह से गैसेस ट्रांसपोर्ट कर जाएगा, ये है, क्लियर है, समझ रहे हो? चलो, ये पूछा ऐसे जस्ट जनरली, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि भाई अगर हीमोग्लोबिन को हेमोसियानिन से रिप्लेस कर दे तो क्या होगा? वैसे ऐसा पॉसिबल प्रैक्टिकली बहुत रेयर चांस में है, बट हो सकता है, ठीक है। चलो ये हुआ, अब अपन आते हैं, हम लोग कह रहे थे कि हम लंग्स की औकात देखेंगे, तो औकात देखनी है, चलो देखते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं लंग्स की वॉल्यूम, लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, लंग्स वॉल्यूम्स एंड लंग्स कैपेसिटीज, क्लियर है, समझ रहे हो? तो सबसे पहले अभी हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं इसमें वॉल्यूम्स, क्लियर है, पहले वॉल्यूम फिर कैपेसिटी, पहले देखते हैं कितना झेल सकता है, फिर इसकी औकात पता चल जाएगी हमें, ठीक है। वॉल्यूम्स, वॉल्यूम में सबसे पहले आती है एक वॉल्यूम जिसे कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम, क्लियर है, टाइडल वॉल्यूम यानी शॉर्ट में टीवी। टीवी कितनी होती है, क्या होती है? तो टीवी है अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड या फिर एक्सहेल्ड बोल दो ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, क्लियर है, नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान कितने अमाउंट ऑफ एयर हम लोग इनहेल कर लेते हैं और एक्सहेल कर देते हैं, ये टीवी है। अब टीवी की वैल्यू कितनी होगी, वॉल्यूम है ना तो वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, वैल्यू कितनी होती है, टीवी की वैल्यू होती है 500 ml, 500 ml टीवी, क्लियर है, और ये याद रखनी है तुम्हें, टीवी 500 ml है। अब तुम लोग बता सकते हो 500 ml कितना है, एक सिंगल इनहेल एक्सहेल में बता रहा हूं, समझे हो? चलो अगर मुझे निकालनी है कि टीवी पर मिनट कितनी है, तो एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, 12 बार, तो इसको 12 से इंटू कर दो, 500 × 12 6000, क्लियर है, अप्रोक्सीमेट 6000 और 7000 के करीब आ जाएगी पर मिनट की टीवी। अगर एक घंटे की निकालनी है तो 6 को गुणा कर दो 60 से, समझ लो 6000 × 60 36000, समझ लो, सॉरी 36000 नहीं 360000, क्लियर है, ये ml में आ रही है, ये क्या आ रही है ml में। अब तुम लोग इसको लीटर में चेंज कर सकते हो, वो बाद की बात है। तो याद रखना टीवी कितनी होती है 500 ml, जनरली हम लोग एक बार सांस लेने में और छोड़ने में जितनी वॉल्यूम एयर की यूज करते हैं वो है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वॉल्यूम क्या है, तो नेक्स्ट है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्लियर, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम शॉर्ट में कहा जाता है आईआरवी। आईआरवी क्या है, तो देखो ये वो अमाउंट है एयर की इंस्पायरेशन के लिए रिजर्व है जो, समझ रहे हो, मतलब हम लोगों ने बचा के रख रखी है कि इतना इंस्पायर तो हम लोग और कर सकते हैं नॉर्मली सांस लेने के बाद, क्लियर, अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल इंस्पायर करके यानी नॉर्मली सांस ले करके हम लोग लगा के कितनी सांस अंदर ले सकते हैं, मतलब कितनी हवा अंदर ले सकते हैं, ये आईआरवी है, इंस्पायरेशन के लिए रिजर्व वॉल्यूम है। अब आईआरवी वॉल्यूम है तो इसकी वैल्यू भी होगी, तो आईआरवी की वैल्यू होती है तकरीबन तकरीबन 2500 to 3000 ml, 2500 से 3000 ml, क्लियर है,
या 2.5 लीटर से 3 लीटर के करीब एयर हम लोग अंदर ले सकते हैं, जनरली आधा लीटर। और जोर लगा के अब स्टेनोक्लिडोमेस्टोइड मसल खींचेगी तो वॉल्यूम तो बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो और एयर अंदर आ सकती है, वो कितनी आ सकती है 2500 से 3000 ml। क्लियर है, ये है। नेक्स्ट थर्ड, थर्ड है ईआरवी। ईआरवी, ईआरवी क्या है? तो यहां स्टार्टिंग नाम लिखो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर है, जैसे इंस्पायरेशन के लिए कोई वॉल्यूम रिजर्व थी ना, वैसे एक्सपायरेशन के लिए कोई वॉल्यूम रिजर्व है, ईआरवी। क्लियर है, और ईआरवी कितनी होती है ये बात करें तो देखो पहले ईआरवी होती क्या है ये बता लेते हैं। तो ईआरवी है वही, ये नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद और कितना इनहेल कर सकते हैं वो अमाउंट है। तो ये क्या होगी, अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन। और ये एक्सहेल्ड होगा फोर्सफुली, तो यहां बीच में वर्ड फोर्सफुली जोड़ो, जरूरी है। क्लियर, फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी नॉर्मली एक्सपायर कर दिया हम लोगों ने, सांस छोड़ दिया, उसके बाद जोर लगा के और कितना सांस छोड़ सकते हैं, मतलब कितनी अमाउंट ऑफ एयर हम लोग एक्सहेल कर सकते हैं, ये एक्सहेलेशन के लिए या एक्सपायरेशन के लिए रिजर्व वॉल्यूम है ईआरवी। ईआरवी की वैल्यू कितनी होती है ये भी देख लेते हैं। तो ईआरवी, ईआरवी होती है अपनी अप्रोक्सीमेटली 1000 to 1100 ml। क्लियर, 1000 से 1100 ml, समझ रहे हो, ये ईआरवी है। तो समझ आया, टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी, ईआरवी, मतलब भाई नॉर्मली कितना ले सकते थे, मतलब कितनी ले सकते थे एयर, जोर लगा के कितनी और ले सकते थे और जोर लगा के कितनी और निकाल सकते थे, बात एयर की हो रही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ और निकालने की सोचो, कुछ और लेने की सोचो। तो जोर लगा के कितनी एयर अंदर ले सकते थे आईआरवी, कितनी बाहर निकाल सकते थे ईआरवी। क्लियर है, चलो ये हुआ। अब कुछ और वॉल्यूम्स है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक वॉल्यूम आती है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसे हम लोग कहते हैं रेजिड्यूअल वॉल्यूम। रेजिड्यूअल यानी वो बची हुई है, रेजिड्यू है वो। क्लियर है, तो देखो फोर्थ रेजिड्यूअल, रेजिड्यूअल वॉल्यूम। क्लियर है, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आरवी से। आरवी क्या होती है भाई, आरवी देखो ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है। हम लोगों ने कहा ना एम्ब्रियोनिक स्टेज में लंग्स नॉन फंक्शनल होते हैं, तो जब बर्थ होती है उस वक्त लंग्स फंक्शनल हो जाते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं फंक्शन करना। तो फंक्शन करना स्टार्ट करते हैं उस वक्त क्या होता है, पहली बार जब एयर अंदर जाती है लंग्स में, समझ रहे हो, तो वो उसमें से कुछ अमाउंट एयर हमेशा के लिए अंदर ही रह जाती है, वो कभी बाहर नहीं आती, और ये वो अमाउंट है रेजिडुअल वॉल्यूम। ऐसा क्यों किया गया कि भाई फर्स्ट ब्रीथिंग में, पहली बार सांस लेने में वो एयर अंदर ली गई और अंदर ही रख ली गई फेफड़ों में। क्यों, क्योंकि भाई उस वक्त एल्वियोलाई ऐसे होती है, कोलैप्स, बंद, फूंकना है, गुब्बारा है, उसमें से कतई हवा निकाल दो, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसी एल्वियोलाई होती है। पहली बार सांस लेते हैं तो वो फूलती है, ठीक है। अब देखो एक चीज, अगर एल्वियोलाई में से सारी हवा निकाल दें हम लोग तो वापस एल्वियोलाई ऐसी हो जाएगी, समझ रहे हो, कोलैप्स हो जाएगी, इस तरह से तो काम नहीं चल सकता ना, दिक्कत हो जाएगी। तो क्या किया जाता है, कुछ हवा अंदर रखी जाती है, मतलब ऐसे भरी इतनी, फिर इतनी निकाल दी, फिर इतनी दोबारा भर ली, फिर निकाल दी, फिर इतनी भर ली, फिर निकाल दी, तो एक्सचेंज इतनी का ही होता है, समझ रहे हो, जो एक्स्ट्रा है, ये जो इतने पे रुक रहा है ना, ये अंदर वो रेजिडुअल वॉल्यूम है, उसको बाहर नहीं निकाला जाता, उसको अंदर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, ताकि एल्वियोलाई कोलैप्स ना हो जाए, समझो, पिचक ना जाए, क्लियर है, इसलिए। तो ये है आरवी। आरवी क्या है, आरवी क्या है, अमाउंट ऑफ एयर
अमाउंट ऑफ एयर रिमेंड इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अब फोर्सफुली एक्सपायर भी कर दोगे ना, जोर लगा के सांस बाहर भी छोड़ दोगे तो भी ये एयर नहीं निकलती। तो ये कौन सी एयर है जो कि इनहेल की गई है, इनहेल्ड विद फर्स्ट इंस्पायरेशन। फर्स्ट इंस्पायरेशन जब धरती पे पहली बार बोझ बढ़ाया था तो ये हवा अंदर ले गए थे और फिर कभी नहीं निकली। ये निकल जाती है तब बंदा सल्ट जाता है, मतलब ये तब ही निकलती है जब हम लोग सल्टते हैं, हमारा केस खत्म होता है। और इसे ही कहते हैं वो फूंक जो निकल जाती है, मरते हैं तो कहते हैं ना कि भाई इनकी तो फूंक निकल गई, तो फूंक ये है, समझ रहे हो, आरवी है। अब आरवी कितनी होती है तो देखो आरवी होती है एग्जैक्ट है 1200 ml, क्लियर है। चलो तो भाई एक चीज सोचने वाली है, अब तक हम लोगों ने वॉल्यूम देखी है, चार तरह की देख ली, टीवी आईआरवी ईआरवी आरवी, समझ रहे हो। ये वॉल्यूम हम लोगों ने मापी कैसे, बात तो ये है क्योंकि लंग्स को तोल तो सकते नहीं, तो थोड़ी तोलोगे, समझ रहे हो। तो कैसे मापी, तो भाई हवा जाने का रास्ता क्या है, यहां से जाती है ना, तो एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जो कि यहां से गुजरने वाली एयर को माप ले कि कितनी एयर अंदर जा रही है, समझ रहे हो, क्लियर है। तो इसे ही तो कहते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है, ये जाती हुई एयर की वॉल्यूम नापता है स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर। अब स्पायरोमीटर क्या करता है, स्पायरोमीटर इंस्ट्रूमेंट है, क्लियर है, पहली बात, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग वॉल्यूम, या फिर हम लोग कहें रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को मापने के लिए यूज किया जाता है, क्लियर है। तो भाई ये तो यहां से जा रही और आ रही हवा कोई मापेगा ना, तो एक चीज है, एक ऐसी वॉल्यूम है जैसे ये नहीं नाप सकता, कौन सी है, अबे ये है खचरो, क्योंकि ये एक ही बार गई फिर गई नहीं, ना आई ना थता ही नहीं, मतलब काम खत्म, गई तो गई, समझ रहे हो। तो इसको नहीं नाप सकता, बाकी सारी वॉल्यूम नापता, सारी कौन सी, टीवी आईआरवी ईआरवी, क्लियर है। डू नॉट मेजर या फिर चलो ठीक है डू नॉट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, डू नॉट मेजर आरवी, आरवी को मेजर नहीं कर सकती, बाकी को मेजर कर सकता है स्पायरोमीटर, क्लियर, याद रखना इंस्ट्रूमेंट। तो हम लोग आरवी में भी लिखेंगे, आरवी क्या है, ये ऐसी वॉल्यूम है जो कि डोंट मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर, ये स्पायरोमीटर से मेजर नहीं की जा सकती, क्लियर। क्या हुआ, पता कैसे चला, शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं मजाक कर रहा हूं, पता कैसे चला, क्वेश्चन अच्छा है, पता तब चला जब हम लोगों ने फोर्सफुली फायर कर दिया, ठीक है, फिर भी हमारे लंग्स एक फिक्स शेप में आग करके रुक गए, उसके बाद पिचके नहीं, मतलब सोचना चाहिए ना, ये जोर लगा के भी बाहर निकालती तो खाली हो जानी चाहिए लंग्स बिल्कुल, अब स्पंज ही तो है, कतई ऐसे हो जानी चाहिए थी, समझ लो। तो फिर इसको मापने की कोशिश की गई, इसको कैसे मापा गया, इसको मापा गया, कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया गया जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लंग्स का वेट किया गया और एक डेड ऑर्गेनिज्म के लंग्स का वेट किया गया, डेड हो जाते तब ये निकल जाती है, पिचका के वेट किया गया, तो उसमें फर्क मिला 1200 ml के करीब का, समझ रहे हो, इस तरह से। तो ये है वो आरवी, क्लियर है, निपटा हो गया।
ये लंग वॉल्यूम्स थी। अभी सिर्फ वॉल्यूम की बात की है, अब आएंगे हम औकात पे इसकी कैपेसिटी के बारे में, ठीक है। तो देखो अब हम बात करते हैं लंग कैपेसिटीज। लंग कैपेसिटीज तो देखो कैपेसिटीज कौन कौन सी है, कैपेसिटीज में कौन कौन सी डिस्कस करते हैं अपन। पहला ये है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसे शॉर्ट में कहते हैं आईसी। आईसी गई सी आईसी तो मतलब आईसी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी मतलब हम लोग कितना सांस ले सकते हैं, लंग्स की कितनी औकात है कि वो हवा अंदर खींच सकते हैं। तो भाई जनरली सांस लेते हैं नॉर्मली, तो वो तो है टीवी, और टीवी के बाद भी जोर लगा के ले सकते हैं वो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आईआरवी। इससे ज्यादा तो हम नहीं ले सकते, इतनी औकात है। तो यही होगी आईसी के इक्वल। आईसी होती है टीवी प्लस आईआरवी। अब टीवी कितनी होती है 500, आईआरवी कितनी है 2500 से 3000, हम लोग मैक्सिमम मान लेते हैं 500 प्लस 3000, यानी ये एक्चुअल में होती है 3500 ml। क्लियर, आईसी है 3500 ml, समझ रहे हो आईसी कितनी है 3500 ml। चलो सेकंड सेकंड कैपेसिटी है एक्सपायरेटरी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी होगी, अगर बात करें एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की, तो भाई वही बात आईसी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी वाली। इंस्पायरेशन कितना कर सकते हैं जोर लगा के, तो ये बात है कि जोर लगा के एक्सपायरेशन कितना कर सकते हैं। तो भाई हम लोग क्या कहेंगे आईसी कितनी हो ईसी कितनी हो सकती है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ईसी कितनी हो सकती है, तो ईसी इक्वल टू ईसी हो सकती है, हम लोग नॉर्मली एक्सपायर करते हैं तो निकालते हैं टीवी, समझ रहे हो। और फिर जोर लगा के कितना निकाल सकते हैं, मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ईआरवी, वो भी तो आएगी ये है। तो हम लोग कहते हैं ईसी इक्वल टू टीवी प्लस ईआरवी। अब टीवी कितनी है 500, ईआरवी कितनी है 1000 से 1100, अब ऐड कर दो तो हम लोग मैक्सिमम माने तो ये आ जाएगा ईसी इक्वल टू तकरीबन 1600 ml। क्लियर है, ये क्या है ईसी, ईसी है 1600 ml। चलो अब थर्ड थर्ड है एफआरसी, यानी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ये कौन सी कैपेसिटी है, तो भाई ये है अमाउंट ऑफ एयर रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मली एक्सपायर कर दिया हम लोगों ने, उसके बाद लंग्स में कितनी एयर बची, तो नॉर्मली एक्सपायर करने में क्या निकलता है, सिर्फ टीवी। अब लंग्स में कौन कौन सी एयर है, टीवी तो निकाल दी हम लोगों ने, अब लंग्स में क्या है, कौन सी एयर बची होगी, कौन सी वॉल्यूम बची होगी, कौन सी, एक तो वो अमाउंट जो हम लोग जोर मार के निकाल सकते हैं, समझ रहे हो, कौन सी है ईआरवी, और एक है जो कभी निकलती नहीं यानी आरवी। तो ये है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, समझ रहे हो। तो ये होती है एफआरसी इक्वल टू ईआरवी प्लस आरवी, कितनी होगी ईआरवी मैक्सिमम मानो 1100 और ये है 1200, 1100 प्लस 1200 कितनी होगी 2300 ml। क्लियर, एफआरसी है 2300 ml, ये है क्लियर तीसरी कैपेसिटी। अब भाई देखो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना इंस्पायर कर सकते हैं, नॉर्मली इंस्पायर करने में 500 ml यूज होती है, फिर जोर मार के हम लोग 3000 और ले सकते हैं ml,
तो 35 ml इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होगी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी नॉर्मली एक्सपायर करने में 500 ml निकालते हैं, जोर लगा के फोर्सफुली हम लोग 1100 ml और निकाल सकते हैं, 500 प्लस 1100 1600 होगी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है वो अमाउंट एयर की जो नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद लंग्स में बची हुई है। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद क्या बचता है, एक तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के लिए ईआरवी और एक आरवी जो हमेशा ही अंदर होती है, ये है 2300 ml। क्लियर है, तीन कैपेसिटीज हुआ। चलो अब अपन आगे बात करते हैं। तीन कैपेसिटीज में अब कुछ और पॉइंट्स हैं कैपेसिटीज में ही। तो देखो अब हम जो बात कर रहे हैं वो है फोर्थ कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी यानी वीसी। अब वीसी वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है, तो भाई वाइटल कैपेसिटी का मतलब है कि हम लोग कितनी एयर पास कर रहे हैं, ठीक है, हमारे लंग्स में से, समझ रहे हो, एयर पास कर रहे हैं। पास मतलब हम लोग चाहे नॉर्मली चाहे सांस, मतलब फोर्सफुली हमारे ब्रीदिंग के थ्रू कितनी एयर पास कर रहे हैं लंग्स में से, ये लंग्स की वाइटल कैपेसिटी होती है। कैसे मापेंगे, तो नॉर्मली हम लोग सांस लेते हैं मतलब ब्रीद करते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, तो वो तो जाती है टाइडल वॉल्यूम। हम लोग फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं आईआरवी और फोर्सफुली एक्सहेल कर सकते हैं ईआरवी। आरवी को तो हम लोग छेड़ ही नहीं सकते ना, चार ही वॉल्यूम थी जिसमें से एक को यूज नहीं कर सकते, तो यूज कितनी कर सकते हैं, तीन। तो ये आ गई वाइटल में, ठीक है, टीवी आईआरवी ईआरवी। क्लियर, तो हम लोग कैसे कहेंगे टीवी क्या है, सॉरी ये वीसी क्या है, वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू टीवी टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV प्लस ERV। क्लियर, या फिर इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से लिखे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, TV प्लस IRV कितनी होती है, IC इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और प्लस में ERV जोड़ दो। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी आई थी, 3500 और ERV कितनी होती है, 1100, ये होगी 400 ml वाइटल कैपेसिटी है, ठीक है। एक होती है कि भाई हमारे लंग्स कितनी एयर की वॉल्यूम को झेल सकते हैं, मतलब ऑल ओवर कैपेसिटी कितनी है, उसे हम लोग कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी। क्लियर, तो टोटल लंग कैपेसिटी को हम लोग कैसे बताएंगे, लंग्स टीवी भी झेलते हैं, लंग्स आईआरवी भी झेलते हैं, लंग्स ईआरवी भी झेलते हैं और लंग्स ने आरवी भी झेल रखी है, तो लंग्स की सारी वॉल्यूम आ जाएगी। क्या होगा, टीएलसी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टीएलसी इक्वल टू टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी आईआरवी सॉरी प्लस ईआरवी प्लस आरवी। क्लियर, समझ रहे हो, अब समझ रहे हो, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टीवी आईआरवी क्या हो गया, आईसी प्लस में ईआरवी आरवी क्या हो गया, फारसी। क्लियर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो अब जोड़ के निकाल दो टीएलसी क्या होगा, टीएलसी आईसी 3500 और एफआरसी कितना आया था, 2300। क्लियर है, 3500 2300 को जोड़ो 3800 2000 5500। क्लियर, तो 5800 ml। क्लियर, 5800 ml टीएलसी होती है, इतनी एयर हमारे लंग्स झेल सकते हैं, समझो, एक ताकतवर एक फोर्सफुल इंस्पायरेशन करोगे, सांस लोगे, उस वक्त ये एयर हमारे अंदर होगी। कैसे, तो देखो अभी मेरे लंग्स में क्या है, आरसी तो है, यानी क्या है, ईआरवी और आरवी तो है। अब मैं सांस ले रहा हूं नॉर्मली, अब क्या चली गई, टीवी, अब क्या चला गया, सॉरी चली गई आईआरवी। अब टोटल लंग्स, टोटल कैपेसिटी कितनी थी लंग्स की, 5800 ml।
57 ml. तो ये है टोटल लंग कैपेसिटी। क्लियर हो गया, समझ गए, कोई डाउट, कोई दिक्कत? तो ये लंग कैपेसिटीज थी, समझ रहे हो। चलो ये कंप्लीट होता है और बाकी अपन डिस्कस करेंगे कल।